अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुमीन। आज जनाब हम बना रहे हैं कॉर्न चाट, कॉर्न एंड पाइनएप्पल चाट। बहुत सिंपल स्नैक है, बहुत सिंपल आप एज ए स्नैक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। शुगर फ्री है, शुगर के पेशेंट भी इसको आराम से खा सकते हैं। जो हमारे खानों के दरमियान हमें भूख लगती है उसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सी एक चाट है जिसमें कोई शुगर नहीं है, कोई फैटनिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आराम से आप खा सकते हो। 3/4 बाउल तक, जो मीडियम साइज़ का बाउल होता है। इसके लिए मैंने एक डिब्बा जो होता है बॉइल्ड कॉर्न का वो लिया है, लेकिन आप जो इसको घर में भी बॉईल कर सकते हैं, ठीक है। और साथ मैंने पाइन एप्पल है, ये भी कैन का है, इसके मैंने 3 स्लाइसेस जो है उनको चॉप कर लिया मीडियम सा। इसके अलावा मुझे इमली की चटनी चाहिए होगी। ये जो इमली की चटनी है ये शुगर फ्री है, ये डेट से बनी हुई है। डेट्स जो हैं वो शुगर के पेशेंट्स भी खा सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा, यानी 1-2 टेबल स्पून हम ये चटनी यूज़ करेंगे, जो कि आराम से शुगर के पेशेंट और नॉर्मल बंदा जो भी खाना चाहे खा सकेगा। ये इमली और खजूर की सिर्फ चटनी है, नो शुगर इज एडिड। इसके अलावा जो मसालों में हमें चाहिएगा, 1 लेमन, थोड़ा सा चाट मसाला 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून जो है मेरे पास रेड चिली पाउडर है, और 1/2 टीस्पून ही सॉल्ट है। आप स्पाइसेस अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो, क्वांटिटी के हिसाब से जित क्वांटिटी में आप बना रहे हो। अब ये जो मैंने कॉर्न लिए हैं इसके अंदर अब मैं डालूंगी ये पाइन एप्पल, मिक्स कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये पाइन एप्पल और कॉर्न मैंने मिक्स कर लिए हैं, इसके अंदर अब मैं डालूंगी ये जो लेमन है, 1 लेमन का जूस डालूंगी। ये सब कुछ आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन अमूमन 1 लेमन का जूस, जो देसी लेमन होता है उसका एक जूस काफ़ी होता है। इसके साथ ही ये चाट मसाला, नमक और मिर्च ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और इसमें अब मैं 3 टेबलस्पून भर के ये टैमरिंड और जो खजूर डेट की चटनी है वो डाल देती हूँ। इसको फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया और हमारी ये जो कॉर्न और पाइनएप्पल की चाट है ये तैयार है। इसको आप टेस्ट करके देख लें, अगर आपको इसमें नमक मिर्च या लेमन तो सही हो, नमक मिर्च और चाट मसाला ऐड करना हो तो आप लोग अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जो मेरी क्वांटिटी है इसमें ये परफेक्ट है और ये हर कोई आराम से खा सकता है, किसी पेशेंट के लिए, किसी आम मतलब जो नॉर्मल इंसान है जिनको कोई मसला नहीं है वो भी आराम से इसको खा सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको बनाएं और ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके आराम से। और अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।